बढ़ते हैं हम सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ. द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकंड लाइन ऑफ लाइमर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन. द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन इज. हमें एटॉमिक नंबर जेड हाइड्रोजन लाइक आयन का निकालना है. हमें फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज हाइड्रोजन एटम की इक्वल दी गई है. सेकेंड लाइन ऑफ ब्लैमर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन. चलिए देखते हैं. यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया गया है, वन अपॉन लैमडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर अपॉन ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर. अब यहाँ पे जो इक्वेशन में यूज़ किए गए हैं टर्म्स, इनको समझते हैं. लैमडा यहाँ पे वेवलेंथ शो कर रहा है, आर है आपका रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, जेड है आपका अटोमिक नंबर, एन वन शो कर रहा है सेल की पोजिशन यानी फर्स्ट सेल, और एन टू है आपका सेकेंड शेल. अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखेंगे. तो पहले तो वेवलेंथ इक्वल की बात कही गई है, तो वेवलेंथ दोनों की इक्वल रखेंगे. तो आर जेड स्क्वायर इज इक्वल्स ब्रैकेट में वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जेड. ये हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए है. स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन फोर का होल स्क्वायर. यहाँ पे नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ शेल यहाँ पे टू है, यहाँ पे एन टू की वैल्यू टू है, यहाँ पे एन वन की वैल्यू टू है, यहाँ पे एन टू की वैल्यू चेंज होकर फोर हो गई है. इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जेड की वैल्यू टू आएगी, जो कि हमारे ऑप्शन थर्ड में दी गई, इसलिए थर्ड ऑप्शन हमारा सही है.